हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस आंदोलन के जो मूवमेंट था, शुरुआत किसने की, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके पीछे कॉजेज़ क्या क्या थे और इसके फीचर्स क्या थे, फाइनली इस आंदोलन को ख़त्म क्यों किया गया। तो सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी थी जो आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी से पहले बहुत सारे आंदोलनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी और लगातार ब्रिटिशर्स का विरोध कर रही थी। तो इसी के तहत कांग्रेस पार्टी की सितंबर 1920 में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग जो है कलकत्ता के अंदर हुई। इस मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी एक नेशन वाइड मतलब देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और इस आंदोलन का पर्पस जो है लोगों को यूनाइट करना भी होगा, जितने भारत के लोग हैं उन सबको इकट्ठा करना भी होगा। तो इसी के तहत ये तय किया गया कि 5 सितंबर 1920 को एक आंदोलन लॉन्च किया गया। इस आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इसको महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को लॉन्च किया। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ द मूवमेंट की, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन किया गया। तो काफ़ी सारे रीजंस थे। सबसे पहले रीज़न की हम बात करते हैं, सबसे पहला रीज़न था रिसेंटमेंट एट द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर। तो ये रीज़न आपको समझाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडियंस ने पूरी तरीके से मैन पावर एज वेल एज रिसोर्सेज, पूरी तरीके से इंडियंस ने क्या किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, ब्रिटिशर्स की मदद की और ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत गए। इसके बदले में इंडियंस को ब्रिटिशर्स से उम्मीद थी, अंग्रेज़ों से उम्मीद थी कि जिनका राज भारत के अंदर चल रहा था वो इंडियंस को कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, कुछ रियायत प्रोवाइड करेंगे, कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अपोजिट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, तो उसके तहत भी इंडियंस का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो लगातार कंटिन्यू रहा और कोई भी फ़र्क वॉर के बाद इंडियंस की हालात में देखने को नहीं मिला। बात करते दूसरे कॉज की, तो वो था होम रूल मूवमेंट। अभी होम रूल जो मूवमेंट था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था। ये भी स्वराज के लिए आंदोलन था, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी लेने के लिए आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये जो है एक्सट्रीमिस्ट द्वारा किया जा रहा था। अभी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी दो धड़े में, दो ग्रुप्स में बटी हुई थी। एक एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि एग्रेसिव तौर तरीके से आज़ादी के आंदोलन को लीड कर रहे थे, और एक मॉडरेट्स थे जो पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से जो है आज़ादी के आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब ये क्या था, अब इसने जो होम रूल मूवमेंट था उसने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। कैसे प्रोवाइड किया कि इस आंदोलन के बाद जो है एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी के जो दोनों ही ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, दोनों एक साथ आ गए। और इसके साथ साथ एक और भी अचीवमेंट इसको मिली इस पैक्ट के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे उनको भी एक साथ जोड़ा गया, वो भी एक साथ आए अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली। तीसरे कॉज की बात करें तो वो है इकोनॉमिक हार्डशिप। ये भी काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत तो गए थे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान उनको झेलने को पड़ा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी रिकवरी करने के लिए इंडियंस के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगाने शुरू कर दिए, चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है फार्मर से प्रोडक्ट्स खरीदती थी एग्रीकल्चर, उनकी कीमतें गिराने शुरू हो गई। तो कुल मिला के जो इकोनॉमिक प्रेशर था जो ब्रिटेन को झेलना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसकी रिकवरी उन्होंने भारतीयों के ऊपर प्रेशर डाल के की, और इसी वजह से जो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी इंडियंस को, लोग उससे नाराज थे बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इसीलिए वो भी आंदोलन के अंदर बहुत तेज़ी से जुड़ने लगे। अगला जो रीज़न है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो रीज़न है जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। दरअसल रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जिसके तहत उन्होंने इंडियंस की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी वो सभी छीन लिए थे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स किसी को पकड़ के भी बिना किसी रीज़न के जेल में भी डाल सकते थे, जिसका जो है इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला इंडिया के अंदर, और लोगों ने
बड़े स्तर पर इसका आंदोलन, एग्रेसिवली इसका आंदोलन, इसका अपोज करना शुरू किया। स्पेशली पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जब इसके जवाब में जलियांवाला मैसेकर, मतलब जो जलियांवाला नरसंहार था, वो भी हमें देखने को मिला। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा रोष में थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो हत्याकांड, जो नरसंहार जलियांवाला बाग में देखने को मिला था, उसकी वजह से लोग नाराज़ थे और उन्होंने स्ट्रांगली जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ना बेहतर समझा। अगला रीज़न है खिलाफत मूवमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश ने टर्की के जो ऑटोमन एम्पायर था उसको हरा दिया, और इसके तहत ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा की पोस्ट हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अभी जो खलीफा की जो पोस्ट थी वो इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, पूरी दुनिया में जितने भी इस्लाम और मुस्लिम जो लोग थे उसको फॉलो करते थे, जिसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया में देखने को मिला। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स और इस्लाम के लोग रहते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए। तो भारत के अंदर भी काफ़ी मुस्लिम्स थे जो कि ब्रिटिशर्स की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ थे। तो इंडिया के अंदर दो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो इस खलीफा खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया, ये जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लाने के लिए, और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट से हाथ मिला लिए ताकि जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और ज़्यादा बड़ा किया जा सके, और ये जो दो आंदोलन चल रहे थे उनको जोड़ के ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्या क्या फीचर्स थे, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कम्प्लीटली एक पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट था, और इसके अंदर हिंसा की कोई भी घटना या एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इसके अलावा जो इंडियंस थे उनसे बोला गया, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टाइटल्स मिले हुए हैं या नॉमिनेटेड सीट्स मिली हुई हैं उन सबको वो रिज़ाइन कर दें, उन सबको छोड़ दें। उसके अलावा जो भी इंडियंस जो है सरकारी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब्स में एंगेज थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी, उन जॉब्स को भी रिज़ाइन करने लोगों ने शुरू कर दिया। और उसके अलावा लोगों ने जो है अपने बच्चों को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार के कंट्रोल में जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनसे एडमिशन वापस ले लिया, उनको स्कूल जाने से रोक दिया गया, लोगों ने खुद ही जाना बंद कर दिया। और उसके अलावा लोगों से बोला गया कि वो लोग इंडियन जो मेड गुड्स हैं उनको अपनाएं, और उसके अलावा जो फॉरेन गुड्स हैं, जो ब्रिटिश मेड गुड्स हैं, उन सबको पूरी तरीके से बॉयकॉट करें, उसका बहिष्कार करें। और इसके अलावा लोगों ने जो इलेक्शंस करवाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उन इलेक्शंस को भी लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बोला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस आंदोलन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था, कि जो भी इंडियंस जो हैं ब्रिटिश आर्मी में, या फिर इंडियन थी तो इंडियन आर्मी लेकिन कंट्रोल ब्रिटिशर्स के द्वारा की जा रही थी, तो ब्रिटिश कंपनी की जो आर्मी में लोग काम, इंडियंस काम करते हैं, वो उन जॉब्स को छोड़ दें। तो काफ़ी एक धक्का लगा था, काफ़ी बड़ा इम्पैक्टफुल एक आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कुल मिला के इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की डिमांड यही थी कि वो एक सेल्फ रूल चाहते हैं, एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उन्हीं के लोगों की हो और जो उन्हीं को चलाने के लिए काम करे। अब हम आगे बात करते हैं, उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, उसके अकॉर्डिंगली आप सिंपली चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, तो आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या पेड क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आंदोलन जो है काफ़ी लंबे टाइम से और सही दिशा में चलता हुआ जा रहा था, और गांधी जी का मानना था कि अगर आंदोलन कुछ साल और चलता रहेगा तो ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर मजबूरी में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक घटना हुई 1922 के अंदर, चौरी चौरा जो कि यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर पुलिसमैन और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में झड़प हुई, एक वॉयलेंट क्लैश हुआ, जिसके अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके अंदर करीब 22 पुलिस वाले की जलकर मौत हो गई। और इस घटना के बाद गांधी जी काफ़ी परेशान हुए, और आपको मैंने शुरू में ही बताया था गांधी जी का सबसे बड़ा सिद्धांत था और इस आंदोलन का सबसे बड़ा सिद्धांत था नॉन वायलेंट। तो अहिंसक अहिंसक तौर पर इस आंदोलन को चलाया जा रहा था, यहाँ पर हिंसा जब देखने को मिली तो गांधी जी ने इस बात से नाराज़ होकर आंदोलन को सस्पेंड कर दिया।
अब हम बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की। तो ये जो आंदोलन था भले ही कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अचीवमेंट निकल कर आई। सबसे पहली अचीवमेंट इसकी ये थी कि इस आंदोलन के थ्रू पहली बार भारत में ऐसा देखने को मिला कि एक देशव्यापी आंदोलन हो रहा था जिसके अंदर समाज के लगभग सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, और कुल मिला के इसने इंडिया के अंदर ये भारत के जो लोग थे उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया, एकता की भावना को मजबूत किया। इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट हों चाहे वो मॉडरेट्स हों, और चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब लोग एक सिंगल बैनर के, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बैनर के तले देखने को मिले, जिसने इंडिया को काफ़ी हद तक मजबूत किया। और एक और इसका फ़ायदा था वो ये था कि इसका इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी देखने को मिला था। ब्रिटिशर्स को काफ़ी बड़ा झटका मिला था इसी जो आंदोलन था। तो इस आंदोलन के बाद ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक बात तो समझ आ चुकी थी, जो आंदोलन है उसके बाद उनका जो रूल है इंडिया के अंदर वो परमानेंट तो नहीं होने वाला, एक ना एक दिन उनको भारत छोड़कर ज़रूर जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी जो आंदोलन महात्मा गांधी और INC के द्वारा चलाया गया। तो ये पूरी वीडियो थी, पूरा टॉपिक मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।